और एग्जीक्यूटिव काउंसलर मेहंदी हसन साहब, एसएसपी मैम, मनिंदा सर प्लीज, स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ यहाँ पे हमारे लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ले हुए प्रेजेंट करते हुए ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर मेहदी साहब यहाँ पे आए हुए सीआरपीएफ के आईजी मैडम चरू सिन्हा जी को मैं स्वागत करूंगा। इनफैक्ट ऑन 21st जब हम त्रिभुट सब डिवीजन से आ रहे थे तो दिल्ली में हम दोनों का एक साथ आना हुआ, तो उसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो उस दिन मैडम ने मुझे पूरा अपडेट दिया कि सीआरपीएफ की ओर से और खासकर आपके श्री सत्य साई सेवादार की ओर से लद्दाख में क्या क्या सेवाएं चल रहा है, इनफैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में। और मुझे खुशी हुई ये जान के अब यहाँ बहुत सारे हेल्थ कैंप लगा के लोगों को मेडिकल कैसे सेवा कर सकते हैं, जैसे आपने कुछ विलेज को चिन्हित करके कैंप लगा के लोगों की सेवाएं कर रहा है। और आपकी इच्छा भी मैडम ने मुझे जताई कि काफ़ी लिफ्ट इरिगेशन में आप सपोर्ट करना चाहते हैं। ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन लद्दाख ऑल्सो, उसके वजह से बहुत सारे विलेजेस को ऐसे सपोर्ट चाहिए होंगे। और खासकर हेल्थ है जो रूरल लद्दाख है उसमें मेडिकल फैसिलिटीज आज के डेट में गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इस तरह के जो वॉलंटियर ग्रुप्स आगे आ गया जो किस चीज़ के कारण से यहाँ बीमारियाँ फैल रहा है उस पर भी एक रिसर्च चले। इनफैक्ट लद्दाख में मेरे लिए हमेशा एक चिंता की बात रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे कैंसर रेट ज़्यादा है और जिसके कारण से मृत्यु भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसका बहुत सारे जो रीजंस हो सकता है जिसमें एक तो फूड हैबिट चेंज होने के कारण से और फार फ्लंग एरियाज में जो रूरल एरिया में लाइवलीहुड अर्न करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं तो ठीक तरह से 3 times मील भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, यहाँ पानी पीने की आदत बहुत कम है तो चाय नमकीन ज़्यादा पीते हैं इनफैक्ट। तो इस तरह के जो लोगों में एक एडवाइस भी करके लोगों को कैंपेन करके एक हेल्दी लाइफ कैसे बीते इस तरह की भी बहुत सारी यहाँ काउंसलिंग की मुझे आवश्यकता है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यहाँ मैडम पीडी नित्या जी एसएसपी मैडम भी आए हैं, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे खुशी होगी आपके साथ मिल के आगे काम बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट की ओर से कैसे कोऑर्डिनेट आप सबके साथ बिठाए वो मेरा एक मौलिक दायित्व भी होगा और मुझे उस सेवा प्रदान करने में खुशी भी होगा। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि इन फ्यूचर भी हम इसी तरह मिलते रहेंगे, आप सबको स्वागत करने का मुझे अवसर मिलेगा। और मैं यहाँ जितने भी हमारे मेहमान आए हैं श्री सत्य साई सेवा दल की ओर से आप सबको मैं एक बार फिर से नमन के साथ स्वागत करता हूँ। मुझे यहाँ पे आने में थोड़ा देरी हुआ मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हमारा एक इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है और आपको पता है पॉलिटिशियन के लिए इलेक्शन कितना जरूरी है जहाँ हमारे अस्तित्व का सवाल होते हैं, तो इसलिए थोड़ा मुझे माफी मांगना पड़ रहा है। इसके बाद भी हमने कुछ प्रोग्राम किया है लेकिन हमारा काम नहीं रुकेगा, आप सबके साथ हमेशा एक मोटिवेटेड स्पिरिट लेके आपके साथ खड़ा होंगे। हमारे काउंसिल की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जितने भी मीडिया पर्सन आए आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, मीडिया बंधुओं का भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली चाहिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय today and thank you so much for coming. We are an international organization, sir, based in 125 countries, but in India we are very active in all the states, all the 28 states of India, and we want to work in Ladakh.
we want to work in Kashmir also. These are the two states which were out of our purview. So now it's wonderful coming here. We've done a lot of water projects, we've done a lot of medical work. Our main significant work is in education and medicine. Education is one thing which we really want to work on. We put we've adopted one monastery here and put about 15 laptops in one place and 15 laptops in Skubachan. We want to open the people of Ladakh to the world of information and technology. Information and technology is the key to success. So young people, children must understand what is software, exactly how we need to enter into a very specialized area. We have been working with them earlier too in Srinagar, and last year we did the same work in Leh. We hope to work more closely with them and, apart from medical camps, take up a few more seva projects. We're very grateful to MP sir and to the councillor for coming here today. And Maninder sir, we will request you to actually describe a little bit about what the Satya Sai Seva organization is all about and what kind of projects have been taken up across the country. Thank you.